ये रहा Redmi Note 13 Pro और ये रहा Redmi Note 13 Pro Plus। ये कल इंडिया में लॉन्च हो चुके हैं, बट प्राइस देख के बहुत सारों को लगता है कि ये ओवर प्राइज्ड है, बट मुझे क्या लगता है आगे मैं बताऊंगा। और ये फीचर टू प्राइस को जस्टिफाई करते कि नहीं, सब कुछ आज की इस वीडियो में टकाटक बताऊंगा। दोनों फोन को ऑलरेडी हमने यूज किया है, बहुत सारे फोनों के साथ हमने कंपैरिजन भी बनाया है, तो हाँ यार समझ में आता है कि ये फोन किस लेवल तक के है। तो सबसे पहले बात करें प्राइस की, तो देखो यहाँ पे Redmi Note 13 Pro 8GB 128GB लगभग हमें ऑल ऑफर्स लगा के 24,000 के अराउंड देखने मिलता है। जो मैंने प्राइस एक्सपेक्ट किया था 22,000, उससे भी ये 2,000 महंगा निकला। और Redmi Note 13 Pro Plus की बात करें, इसकी प्राइस 8GB प्लस 256GB वाले वेरिएंट की लगभग हमें 30,000 के अराउंड देखने मिलते हैं विद ऑल ऑफर्स लगा के। बट यहाँ पे ना मुझे थोड़ा अजीब लगा कि ये जो ऑफर्स है ना, ये ICICI क्रेडिट कार्ड के साथ है, और बहुत सारों के पास ना ICICI का बैंक का क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड नहीं होता है। पर्सनली मेरे पास भी नहीं है, बाकी सारे बैंक है, तो ये थोड़ा सा मुझे अजीब लगा। बट हाँ, यहाँ पे Redmi Note 13 Pro Plus की प्राइस मैंने एक्सपेक्ट की थी कि लगभग 27,000 के आसपास आएगा, क्योंकि चाइना में लगभग 23-24,000 के आसपास देखने मिलता है। तो हाँ यार, यहाँ पे डेफिनेटली 2,000 से लेके 3,000 के आसपास ये दोनों भी फोन मुझे ओवर प्राइज्ड लगते हैं। बट फिर भी आप मन बना लेते हो कि दोनों में से एक फोन लेना है, तो कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा? देखो दोनों को भी हमने प्रॉपर टेस्ट किया था, दोनों की भी डिजाइन हमें काफी मस्त लगी थी। Redmi Note 13 Pro के अंदर हमें बैक ग्लास का देखने मिलता है, तो Pro Plus के अंदर हमें बैक लेदर का देखने मिलता है। बट हाँ, Pro Plus जो है ये IP68 रेटिंग के साथ आता है, मतलब प्रॉपर ये पानी के अंदर भी आप यूज कर सकते हो। बट 13 Pro IP54 के साथ आता है, मतलब जो डस्ट रेजिस्टेंट वगैरह होता है तो वो चल जाएगा। बट हाँ, सामने के साइड से डिजाइन की बात करें तो यहाँ पे Pro Plus के अंदर हमें कर्व डिस्प्ले देखने मिलता है, तो ये ज्यादा प्रीमियम फील होता है। और वैसे 13 Pro के अंदर हमें फ्लैट डिस्प्ले देखने मिलता है, ये भी यार बेजललेस है, ये भी काफी कमल का है। तो नो डाउट यार डिजाइन में दोनों भी अच्छे हैं, बट मुझे Pro Plus की डिजाइन अच्छी लगी। बट बात आती है डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले के अंदर डिफरेंस है कि नहीं? देखो दोनों के अंदर हमें 6.67 इंच OLED 1.5K का रिजोल्यूशन देखने मिलता है, 120Hz का रिफ्रेश रेट है दोनों के अंदर। बट डिफरेंस की Pro Plus के अंदर हमें कर्व डिस्प्ले देखने मिलता है, तो फ्लैट हमें 13 Pro के अंदर देखने मिलता है। बट जितना मैंने इंडोर आउटडोर में भी देखा, ब्राइट दोनों भी है, क्योंकि पीक ब्राइटनेस हमें 1800 nits के आसपास देखने मिलते हैं। दोनों भी HDR10 को सपोर्ट करते हैं, Dolby Vision का भी सपोर्ट देखने मिलता है, वाइड 1L1 है, और क्वालिटी भी यार डिस्प्ले की काफी कमाल की है, यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जितना हमने इसके अंदर वीडियोस वगैरह देखी थी, 4K HDR वगैरह सपोर्ट देखने मिलता है, और वीडियो क्वालिटी मुझे टॉप नॉच देखने मिली। बट उतना ही नहीं, दोनों के अंदर हमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने मिलता है, और इसका भी स्पीड मुझे सही देखने मिला, क्योंकि Redmi के फोन के अंदर इन डिस्प्ले नहीं होता है, तो दोनों के अंदर भी है। दोनों के अंदर हमें टक टक वाली वाइब्रेशन मोटर देखने मिलते हैं, दोनों के अंदर हमें ड्यूल स्टीरियो स्पीकर भी देखने मिलते हैं, लाउड है, काफी कमाल के भी है। बट बड़ा डिफरेंस दोनों के अंदर आता है परफॉर्मेंस के अंदर, कैसे? देखो 13 Pro के अंदर हमें Snapdragon 7 Gen 2 देखने मिलता है, तो यहाँ पे Pro Plus के अंदर हमें Dimensity 7200 देखने मिलता है। और जितना हमने इन दोनों प्रोसेसर को टेस्ट किया था, नो डाउट Pro Plus का प्रोसेसर थोड़ा सा बेटर देखने मिलता है। कैसे? देखो Antutu भी हमने टेस्ट किए थे, तो लगभग 7.5 लाख के ऊपर जा रहे थे Antutu यहाँ पे Pro Plus के, और 573,000 के अराउंड 13 Pro Plus रह रहा था। बाकी सीपी थ्रॉटलिंग चेक की तो ऐसा कोई बड़ा डिफरेंस यहाँ पे नहीं है, लगभग 80-90% की परफॉर्मेंस दोनों के अंदर देखने मिलती है, और एवरेज GIPS स्कोर 215,000 से लेके 220,000 के अराउंड ही देखने मिल रहे थे। हाँ, यहाँ पे डिफरेंस आता है UFS स्टोरेज के अंदर, क्योंकि Pro Plus के अंदर 3.1 है, तो Pro के अंदर हमें 2.2 देखने मिलता है। और यहाँ पे जितना हमने ऐप ओपनिंग वगैरह देखी थी, तो हाँ यार Pro Plus की ऐप ओपनिंग थोड़ी सी हमें फास्ट यहाँ पे देखने मिलती है, क्योंकि यार स्टोरेज यहाँ पे फास्ट देखने मिलता है। बाकी दोनों के अंदर हमें MIUI 14 देखने मिलता है, Android 13 के साथ आ रहे, मुझे लगा शायद HyperOS के साथ आए, बट ऐसा नहीं हुआ। अब थोड़े फार ब्लोटवेयर दोनों के अंदर देखने मिलते हैं, बट UI क्लीन है, एनिमेशन वगैरह स्मूथ देखने मिलते हैं, ऐसी कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। बट यहाँ पे जब अनाउंसमेंट कर रहे थे ना, तब उन्होंने बताया था कि HyperOS का अपडेट रेडी है और बहुत जल्दी ही आने वाला है, तो ये चीज अच्छी है। बाकी अपडेट पॉलिसी में भी यहाँ पे थोड़े चेंजेस आ चुके हैं, 3 मेजर सॉफ्टवेयर अपडेट्स मिलेंगे और 4 ईयर्स की सिक्योरिटी पैच दोनों के अंदर हमें देखने को मिल जाएगी। मतलब सॉफ्टवेयर तो यार आगे जाके टकाटक पूरा होने वाला है। बट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा मुझे बैटरी बैकअप। हाँ यार, लगभग Pro Plus की बात करें तो 5000mAh की बड़ी बैटरी है और 120W का फास्ट चार्जर देखने मिलता है, तो फोन को लगभग 19 से लेके 25 मिनट के बीच में फुल चार्ज कर ही देगा। बाकी यार 13 Pro की बात करें तो 5100mAh की बड़ी बैटरी देखने मिलती है, 67W का फास्ट चार्जर देखने मिलता है। तो जितना हमने दोनों फोन को टेस्ट किया था ना, बैटरी लाइफ दोनों की सॉलिड देखने मिलती है, एक दिन तो आराम से निकल जाता है। बट यार मैं हैरान हुआ इनका कैमरा परफॉर्मेंस देख के, क्योंकि यार दोनों के अंदर बेटर कैमरा ऑप्टिमाइजेशन मुझे देखने को मिल गई थी। दोनों के अंदर मेन कैमरा 200 MP का देखने मिलता है और आउटपुट यार टकाटक आता है, डिटेल्स वगैरह ज्यादा रहती है। बाकी पोर्ट्रेट मोड भी ठीक ठाक देखने मिलता है और डायनेमिक रेंज के अंदर Redmi ने सच में यार सुधार किया दोनों के अंदर, तो
तो ये चीज मुझे सही लगी, पोर्ट्रेट मोड भी मस्त देखने मिलते हैं। हाँ, दोनों भी फोन 4K 30fps तक ही मैक्स वीडियो को शूट कर सकते हैं। बाकी आप गेमिंग वगैरह करते हो तो कौन सा बेस्ट है? देखो, जितना हमने दोनों के अंदर BGMI ट्राई किया था, स्मूथ प्लस एक्सट्रीम दोनों के अंदर देखने मिलता है। बट हाँ, 13 प्रो के अंदर हमें HDR के अंदर भी स्मूथ देखने मिलता है, मतलब 60fps का सपोर्ट। और यहाँ पे प्रो प्लस की बात करें तो इसके अंदर हमें HDR के अंदर अल्ट्रा मतलब ओनली 40fps का सपोर्ट देखने मिलता है। और जितना हमने गेमिंग की तो कैजुअल गेमिंग के लिए कोई दिक्कत नहीं है, 1.5 घंटे तक आप स्मूथ प्लस एक्सट्रीम में 60fps में मस्त गेमिंग कर सकते हो। तो हाँ यार, नॉर्मल गेमिंग आप दोनों के अंदर कर सकते हो, बट हेवी गेमिंग के लिए दोनों भी कमजोर पड़ने वाले हैं। बट हाँ, उसके साथ यहाँ पे वेट भी मैंने देखा था, 13 प्रो प्लस का वेट लगभग 204 ग्राम के आसपास है, तो 13 प्रो का 187 ग्राम के आसपास देखने मिलता है, तो ये सही है। और दोनों के अंदर जो साइड फ्रेम है हमें प्लास्टिक की देखने मिलती है। बट यार, बात ये आती है कि लेना है या नहीं लेना है। मेरे हिसाब से आपको रियलमी जो 12 की सीरीज आने वाली है ना, उसका भी वेट करना चाहिए। और अगले महीने में हमें फेब्रुवारी के अंदर आईकू का भी नया फोन देखने मिलने वाला है, वो भी छोड़ दो, 11 जनवरी को हमें पोको X6 प्रो की भी सीरीज देखने मिलने वाली है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको वेट करना चाहिए और 10 तारीख को ज्यादा गड़बड़ करके इन फोनों को परचेस नहीं करना चाहिए। और मेरे हिसाब से ये 2-3 हजार ओवर प्राइज्ड है अभी भी, क्योंकि यार चाइना में देख लो ना यार, Redmi Note 13 Pro लगभग 20,000 के आसपास आ चुका था। तो यार 2-3 हजार बढ़ाते तो क्या होता यार, इन्होंने तो पूरा 4-5 हजार बढ़ा दिए। और यहाँ पे 13 Pro Plus को तो यार ये बहुत ही आगे लेके गए मेरे हिसाब से। हाँ, फोन के अंदर बहुत सारी फीचर है 13 Pro Plus के अंदर, बट मेन बात आती है ना परफॉर्मेंस की। प्रोसेसर उस प्राइस को जस्टिफाई नहीं करता है मेरे हिसाब से। Dimensity 8050 देते या Dimensity 8020 भी दे देते ना तो भी चल जाता, क्योंकि Dimensity 7200 का जो प्रोसेसर देखने मिलता है, मेरे हिसाब से 30,000 के अराउंड नहीं देना चाहिए था, 25,000 के आसपास तो ठीक है। तो ओवरऑल यही मेरे ओपिनियन थे, और मेरे हिसाब से आपको आने वाले नए फोन का वेट करना चाहिए और अभी गड़बड़ नहीं करनी चाहिए। जितना हमने फोनों को यूज किया था वही यहाँ पे एक्सपीरियंस शेयर किया है। बाकी आपका कोई भी फीडबैक हो नीचे जरूर आप कमेंट कर सकते हो। और हाँ, 10 तारीख को हम फिर से बाय करेंगे और इनके अलग अलग वीडियोस भी लेके आएंगे, तो उसका भी आप वेट कर सकते हो। बाकी ये जो फोन हमने एक्सपीरियंस किए थे, ये हमने चाइना से मंगवाए थे और वही एक्सपीरियंस किया था जो आपके साथ शेयर किया, और यही फोन इंडिया में सेम टू सेम सारे स्पेसिफिकेशन के साथ आए हैं। बाकी अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।